शिष्य के रिश्ते को किया तार तार, तीन नाबालिग बच्चियों से की छेड़छाड़, परीक्षा में दी फेल करने की धमकी, छेड़छाड़ के बाद की रेप करने की कोशिश। एक बार फिर टीचर और छात्र के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। खबर उत्तर प्रदेश के स्कूल की है, जहां एक टीचर ने परीक्षा में फेल करने की धमकी देते हुए तीन नाबालिग बच्चियों से रेप की कोशिश की। मामला बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के ओरन इलाके का है। टीचर की इस हरकत से पीड़ित बच्चियों के परिजन काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग बच्चियां गांव के मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं। टीचर ने तीनों को एक एक करके स्कूल के कमरे में बुलाया, फिर उनसे छेड़छाड़ के बाद रेप की कोशिश भी की। बच्चियों ने जब इसका विरोध किया तो टीचर ने उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी दी। टीचर ने उन्हें ये बात घर में भी ना बताने की बात कही। तीनों लड़कियां आपस में सहेलियां हैं और उनकी उम्र 12 साल है। बच्चियों ने ये बात घर जाकर परिजनों को बताई। गुस्से में परिजन इस बारे में बात करने स्कूल पहुंचे तो टीचर ने उन्हें भी धमकी देते हुए भगा दिया। फिर परिजन थाने गए और आरोपी टीचर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों ने बताया कि बच्चियां टीचर के इस हरकत के बाद से काफी डरी हुई हैं। बिसंडा के SHO KK पांडे ने बताया कि ओरन इलाके में एक टीचर द्वारा बच्चियों से छेड़छाड़ के बाद रेप की कोशिश का मामला संज्ञान में आया है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।